दो वीडियो में हमने काफी सारे थ्योरीज इम्पोर्टेंट थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं हम मनी डिमांड की हम कीन्स की थ्योरी तक हमने डिस्कस कर लिया है राइट तो अब आज के वीडियो में जो कीन्स के बाद थ्योरीज आई है ठीक है जिसको हम पोस्ट केनेशियन थ्योरीज कहते हैं तो उन कुछ थ्योरीज को हम डिस्कस करके चैप्टर आज हम खत्म करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो पोस्ट केनेशियन डेवलपमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी पोस्ट केनेशियन थ्योरीज फोकस ऑन मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीनिंग पीपल होल्ड मनी नॉट जस्ट फॉर ट्रांजेक्शन बट एज एन एसेट देखिए अभी तक अभी तक जो हम थ्योरीज पढ़ रहे थे कीन्स की थ्योरी तक हमने क्या देखा था कि मनी का मेन पर्पस क्या होता था द मेन रीजन फॉर डिमांड ऑफ मनी वाज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली राइट हालांकि कीन्स ने कुछ दो और मोटिव्स भी बताया मनी का जैसे कि प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव राइट लेकिन जो ट्रांजेक्शन मोटिव है उसी को हम अभी तक मेन मोटिव मान के चल रहे थे लेकिन पोस्ट कैनिशियन थ्योरीज वो क्या करते हैं वो मनी को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए नहीं देखते लेकिन वो मनी को देखते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि वो एज एन एसेट देखते हैं, जिससे कि आप कुछ रिटर्न कमा सकते हो ठीक है सो सम इम्पोर्टेंट पोस्ट कनेक्शन थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड आर फर्स्ट इज योर इन्वेंट्री थियोरिटिक अप्रोच बाय बॉमोल एंड टॉबिल ठीक है फ्रीडमेंट रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी एंड डिमांड फॉर मनी एस अवियर टूवर्स रिस्क बायिन तो ये और ये बॉमॉल के साथ मिलकर एक इन्वेंटि थियोरिटिक अप्रोच निकाली लेकिन बाद में उन्होंने खुद का एक और थ्योरी भी निकाला दैट इज मनी एस अवियर टूवर्ड्स रिस्क तो ये थ्री इम्पोर्टेंट पोस्ट कनेक्शन थ्योरीज है ऑफ मनी डिमांड जो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए लेट स्टार्ट विदर्स्ट थ्योरी इन्वेंट्री थ्योरिटिक अप्रोच तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेंट्री थ्योरिटिक अप्रोच के बारे में देखिए ये थ्योरी के नाम पे इन्वेंट्री क्यों रखा गया है क्योंकि देखिए इस थ्योरी में मनी को ना इक्वैलेंट माना गया है इन्वेंट्री के यानी कि लोग मनी को इन्वेंट्री के रूप में ही देखते हैं देखिए अगर आपने इलेवेंथ ट्वेल्थ में कॉमर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक बिजनेसमैन के लिए ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस मैन नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेंट्री बहुत लेस हो क्योंकि अगर लेस इन्वेंट्री हुई तो जब सेल्स करने की टाइम आएगी तो आपके पास इनफ स्टॉक नहीं होगा इनफ सामान नहीं होगा राइट तो कोई भी बिजनेस मैन नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर्स मुड़ के जाए सामान की कमी की वजह से तो लेस स्टॉक भी वो लेस इन्वेंट्री भी नहीं रखना चाहेगा एट द सेम टाइम बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री भी नहीं रखना चाहेगा क्योंकि अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है तो उसे होल्ड करने की राइट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है तो हाई इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए तो इन्वेंट्री बिल्कुल राइट right अमाउंट या ऑप्टिमम अमाउंट होनी चाहिए है ना अब सिमिलरली लोग मनी को भी ना इन्वेंट्री की तरह ही देखते है यानी कि बहुत लेस अमाउंट ऑफ मनी भी लोग नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि अगर बहुत लेस मनी होल्ड किया तो ट्रांजैक्शन करने के लिए इनफ मनी नहीं होगा लेकिन एट द सेम टाइम बहुत हाई अमाउंट ऑफ मनी भी लोग नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि हाई अमाउंट अगर ऑफ मनी अगर लोग रखेंगे तो इसकी इनको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अब आप बोलोगे कौन सी कॉस्ट हाई कैश रखने की क्या कॉस्ट होती है देखिए उस कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है देखिए अगर आप बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैश रखोगे तो आप या अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे करते, तो आपको इंटरेस्ट कुछ कुछ मिलता, मिलता या फिर आपको डिविडेंड मिलता है ना? अब क्योंकि आप कैश होल्ड कर रहे हो तो ये इंटरेस्ट या डिविडेंड तो आपको नहीं मिल रहा है सो यू आर लेटिंग गो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इनको आप फॉर गो कर रहे हो या नेटिंग गो कर रहे हो आपको नहीं मिल रहा है ये चीजें राइट right? तो जो आपको नहीं मिल रहा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है सो so, अगर आप बहुत ज्यादा हाई कैश होल्ड करोगे एंड आप अगर ऐसे शेयर्स या बॉन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे सो यू विल हैव टू बियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या रिटर्न फॉर ऑन ऑन दोज इन्वेस्टमेंट ठीक है तो इसके लोग क्या चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी भी ना रखे लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लो अमाउंट ऑफ मनी भी ना रखे जैसे कि दिस इज सिमिलर टू जैसे कि बिजनेस मैन इन्वेंट्री के बारे में सोचता है ठीक है तो इसलिए इस अप्रोच का नाम रखा गया है इन्वेंट्री थ्योरिटिक अप्रोच तो इसका लॉजिक आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो अब हम इस चैप्टर की थ्योरी में थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखिए बॉन्गोल्ड एंड टॉबिन डेलप्ड अ डिटर्मिनिस्टिक यानी की अट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रेडिक्टेबल थ्योरी ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी नोन एज द इन थियोर द होल्डिंग ऑफ मनी टू मैनेजिंग एंड इन्वेंट्री तो ये अप्रोच क्या करता है होल्डिंग ऑफ मनी को एक वैलेंट मानता है एज मैनेजिंग एंड इन्वेंट्री जस्ट एज बिजनेस होल्ड इन्वेंट्री to meet sales demand efficiently, individuals hold money to handle their transaction needs. Okay? This theory posits that individuals aim to optimize their cash balances to minimize the total cost associated with holding and using money. इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल चाहेगा कि वो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस ही होल्ड करे ताकि जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है विथ होल्डिंग एक्सेस मनी तो कौन सी कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर ना करनी पड़े ठीक है तो इतना तक आपको क्लियर है राइट ओके देखिए अब ये इन्वेंट्री मॉडल इट अज्यूम्स दैट देर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू पहला है मनी एंड दूसरा है एन इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट देखिए ये मॉडल कह रहा है कि आप मनी को या तो मनी के रूप में यानी कि कैश के रूप में होल्ड करके रख सकते हो या फिर आप उसको कोई एक फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स इसके रूप में भी आप मनी को रख सकते हो ठीक है अब अगर आप मनी को मनी के रूप में रखोगे तो क्या होगा देखिए तब आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए तो इजी होगा राइट क्योंकि जो मनी कैश के फॉर्म में होता है वो बहुत ज्यादा लिक्विड होता है आप उसे इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन मनी को मनी के रूप में या कैश के रूप में रखने से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा देर इज नो रिटर्न ठीक है क्योंकि सिर्फ कैश के रूप में रखने से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा कोई डिविडेंड नहीं आएगा ठीक है अब अगर आप ये सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो आपको एक फाइनेंशियल एसेट में रखते हो जैसे कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स तो क्या होगा यहाँ पे आपको फिर रिटर्न तो मिलेगा देयर इज रिटर्न आपको इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा लेकिन अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़े तो तुरंत आपके पास ट्रांजेक्शन करने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं होगी ठीक है तो दोनों दोनों ही चीजों में कुछ प्रॉस है कुछ कॉन्स है देखिए मनी इज हाईली लिक्विड एंड कैन बी रेडिली यूज फॉर ट्रांजेक्शन बट इट ड नॉट ऑन एनी इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रास्ट फाइनेंशियल एसेट्स आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए ये जो बॉन्डस है स्टॉक में आपने पैसा लगाया है ठीक है अब आपको अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो पहले इनको आपको मनी के रूप में चेंज करना पड़े यू हैव टू कन्वर्ट देश या फिर लिक्विड मनी राइट और जब आप बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट करोगे सो देर इज ऑलवेज सम कॉस्ट इन्वॉल्व या तो वो आपका ब्रोकरेज हो सकता है या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकता है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगा सो so वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गया राइट तो मनी में रखने की क्या प्रो कौन है एंड फाइनेंशियल एसेट यानी कि स्टॉक एंड शेयर्स में रखने की क्या प्रो कौन है आपको समझ आ गया देखिए अब दिस ब्रिंग्स इन टू ब्ले द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज फीस विच आर कॉस्ट फिक्सोसिएथ मूविंग मनी बिटवीन कैश एंड इंटरेस्ट बियरिंग एसेट देखिए आपने मान लीजिए इंटरेस्ट बियरिंग एसेट यानी कि शेयर्स एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया अब आपको वापस से इसको अगर कैश में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको लिक्विड मनी की जरूरत पड़ी तो आपको या तो ब्रोकरेज फी पे करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको लग सकती है ठीक है देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना ऐसे ऑनलाइन तो होता नहीं था शेयर्स बॉन्ड्स ऑनलाइन कैश में कन्वर्ट नहीं होते थे आपको एक ब्रोकर के थ्रू कराना पड़ता था और ब्रोकर कुछ फी लेता था उस चीज की उसको हम ब्रोकरेज फी कहते हैं राइट अब आजकल तो ऑनलाइन होती है लेकिन स्टिल ऑनलाइन भी जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो ये एसेट्स को तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको वो प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ कॉस्ट आपकी काटेगा राइट उसे हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं तो जब भी आप ये एसेट्स को मनी में कन्वर्ट करोगे तो सर्टन ट्रांजेक्शन कॉस्ट या फिर ब्रोकरेज फीस इन्वॉल्व होता है यहां तक तो आपने समझ लिया राइट right? अब देखिए बमल मॉडल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी इंडिविजुअल शुड होल्ड टू कंडक्ट द डेली ट्रांजेक्शन एफिशियंटली अब बॉमल की मॉडल हमें क्या प्रोवाइड करती है ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी जो एक इंडिविजुअल को होल्ड करके रखना चाहिए ताकि उसकी डेरी ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस एंड इट्स इट्सिटी विच अलाउस टू मेक ट्रांजेक्शन इजिली विदाउट इंकरिंग कॉस्ट और डिलेज मनी होल्ड करने से क्या होता है आप इजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी डिले राइट हाउ एवर होल्डिंग मनी आल्सो इंकर्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट व्हिच इज द इंटरेस्ट इनकम फॉरगोन फ्रॉम नॉट होल्डिंग इंटरेस्ट बियरिंग एसेट तो मनी होल्ड करने का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है सो दिस क्रिएट्स अ ट्रेड ऑफ यानी कि वाइल मनी इज कन्वीनियंट एंड सेफ इट डोवाइड द रिटर्न दट अदर फाइनेंशियल एसेट्स डू ठीक है अगेन वही प्रूव एंड कॉन है कि अगर आप मनी को मनी के रूप में होल्ड करोगे तो ठीक है आप कन्वीनियनटली ट्रांजेक्शन कर पाओगे सेफली आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटरेस्ट आपको मिल सकता था राइट फाइनेंशियल एसेट में मनी को कन्वर्ट करने में तो वो आपको नहीं मिलेगा इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आपको कैश में रखना है कितना आपको फाइनेंशियल एसेट में रखना है ताकि आपको नुकसान ना हो आपकी जो प्रॉफिट है या कॉस्ट है वो ऑप्टिमम हो जाए ठीक है अब बोमॉल ने इसके लिए ना एक फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम अमाउंट लेकिन उससे पहले हमें ना जो इंटरेस्ट है उसका क्या इफेक्ट होता है आ, ये बोमॉल के मॉडल में पहले वो समझना पड़ेगा फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला में जाएंगे ठीक है ओके द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट अब बैमॉल की मॉडल कहती है कि इंटरेस्ट रेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर मनी अब कैसे देखिये एज इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपोजिट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी ऑल्सो इंक्रीजेस देखिये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये वही तो है जो इंटरेस्ट आप नहीं कमा पाए बिकॉज यू आर होल्डिंग कैश राइट तो अगर आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी लेट से अभी आपकी इंटरेस्ट है फाइव परसेंट ठीक है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फाइव परसेंट क्योंकि इतना इंटरेस्ट आप गवा रहे हो बाय होल्डिंग कैश है ना अब अगर कल को ये इंटरेस्ट सेवन परसेंट होगी तो कितना इंटरेस्ट आप गवाओगे सेवन परसेंट इंटरेस्ट गवाओगे राइट तो जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट है ऑन सेविंग डिपॉजिट या ऑन फाइनेंशियल एसेट्स तो उतना ही ज्यादा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ठीक है कॉन्सिक्वेंटली इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू रिड्यूस द कैश होल्डिंग And increase their investment in interest-bearing assets to minimize their risk. देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है ना तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं कैश कम होल्ड करूं और मैं फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर्स एंड बॉन्चरे ज्यादा इन्वेस्ट करूं ताकि ये हाई इंटरेस्ट रेट का मुझे फायदा मिले ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आल्सो देखिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट हाई है सो यू विल होल्ड लेस कैश ठीक है और अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम है सो यू विल होल्ड मोर कैश सो द डिमांड फॉर कैश या मनी एंड इंटरेस्ट रेट आर अगेन इनवर्सली रिलेटेड एज पर दिस थ्योरी ऑल्सो देखिए कीन्स की थ्योरी में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी कि इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी आर इनवर्सली रिलेटेड तो ये थ्योरी भी सेम ही चीज कह रही है बस ये डिफरेंट वर्ड में कह रही है बट इट इज द सेम थिंग ठीक है क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो देखिए आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा तो इस टाइम पे आप फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करना चाहोगे ना कि आप कैश होल्ड करना चाहोगे ठीक है सो दिस डायनामिक इज सेंट्रल टू बॉमस थ्योरी वेदर डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ठीक है अब इतना आपने समझ लिया नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला जो बॉमल ने फॉर्मूला दिया है उसको एक बार देख लेते हैं ओके फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल कैश बैलेंस टू क्वांटिफाई दिस बैलेंस बॉमल इंट्रोड्यूस अ फॉर्मूला नोन एज द स्क्वेयर रूट रूल विच कैलकुलेट द ऑप्टिम कैश बैलेंस दैट मिनिमाइज टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बॉबल ने ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसको हम स्क्र रूट रूल कहते हैं अब इस फॉर्मूला से ना हमें ऑप्टिमल कैश बैलेंस पता चल जाएगा जितना हमें कैश होल्ड करनी चाहिए और अगर हम इतना कैश होल्ड करेंगे ना तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये दोनों ही कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएंगे ठीक है तो हमें मिनिमल टोटल कॉस्ट पड़ेगा अगर हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे सो व्हाट इज द फॉर्मूला देखिए द फॉर्मूला इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू बी वाई डिवाइडेड बाई आर अब इसमें सी क्या है देखिये सी रिप्रेजेंट द ऑप्टिमल कैश विद्रॉल अमाउंट यानी कितना कैश आपको होल्ड करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश ठीक है बी इज द फिक्सड ट्रांजेक्शन कॉस्ट या फिर ब्रोकरेज फी ठीक है वो दैट इज गिवन बाई बी वाई रिप्रेजेंट द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू या फिर आपकी इनकम एंड आर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट ऑन फाइनेंशियल से देखिए अब ये फॉर्मूला देखिए अगर आप ध्यान से ये फॉर्मूला को देखोगे ना तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिमिलर है आपकी ऑर्डर क्वांटिटी के से देखिए आपने अगर में कॉमर्स पढ़ा है तो इक्ट ऑर्डर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा सो दिस गिव्स यू द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो एक बिजनेसमैन को होल्ड करना चाहिए राइट तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे बस मैं पैरल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों ये थ्योरी को इन्वेंट्री थ्योरी कहा कही गई है क्योंकि देखिए जो इन्वेंट्री के लिए हम लॉजिक लगाते हैं ना वही यहाँ पे लॉजिक लग रहा है सो एनी लेट्स फोर गेट अबाउट इक्विवेलेंट ऑर्डर क्वान्टिटी अपने ही ये फॉर्मूला में आते हैं देखिए तो ये फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है देखिए जो सी है ठीक है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बी यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखिए जो चीज यहाँ न्यूमरेटर में है ना वो हमेशा ये आंसर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो चीज डिनोमिनेटर में है ना फॉर्मुला की तो वो ये फाइनल जो आउटपुट है उससे इनवर्सली रिलेटेड होता है ठीक है अब देखिए बी यहाँ पे न्यूमरेटर में है सो इट मीन दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी अब इसका मतलब क्या है बी रिप्रेजेंट ब्रोकरेज कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट राइट देखिए अगर आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है देन यू विल बी होल्डिंग हाई अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस ऐसा क्यों क्योंकि देखो आपको क्या होता है ना कि आपने अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया ठीक है अब कल को अगर आपको transaction करनी पड़ी और आपको इसको मनी में कैश में चेंज करना पड़ा तो आपको transaction कॉस्ट लगेगी देखिए अगर आपको transaction कॉस्ट कम लग रही है तब तो ठीक है आप shares में डाल दोगे आपने पैसे ठीक है लेकिन अगर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई लग रही है तो आप दो बार सोचोगे कि मैं शेयर्स में लगाऊं कि नहीं या फिर मैं थोड़ा बहुत शेयर्स में लगाऊ और थोड़ा बहुत कैश में रखूं ताकि बाद में मुझे ये चेंज करने की झंझट ना हो क्योंकि चेंज करने में थोड़ा ज्यादा आपको कॉस्ट लग रहा है ठीक है तो अगर चेंज करने में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा ही कैश बैलेंस रखना चाहोगे ताकि बाद में आपको ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा बियर ना करना पड़े ठीक है सो दैट्स वाई हायर द ये ब्रोकरेज फी एंड हायर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हायर कैश बैलेंस यू विल की आपको समझ आ गया राइट right? अब देखिये सी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एज पर दिस फॉर्मूला वाई रिप्रेजेंट करता है हमारा इनकम या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू तो ये तो हम पहले भी कीन्स की थ्योरी में भी पढ़ चुके के आगे वाली थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा कैश बैलेंस होल्ड करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो ज्यादा इनकम ज्यादा कैश बैलेंस क्योंकि ज्यादा इनकम हो तो हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए हमें ज्यादा ज्यादा कैश होल्ड करने की मनी होल्ड करने की जरूरत होती है तो ये भी हमें पहले से ही पता था राइट अब ये formula से हमें एक और चीज क्या पता चलती है कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट अब ये भी कीन्स की फार्मूला की तरह ही है राइट कीन्स के फार्मूला में भी हमने यही पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मनी डिमांड से इनवर्सली रिलेटेड होती है देखिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गई ना तो क्या होगा तो लोग बॉन्ड में होल्ड करना चाहेंगे राइट इफ योर इंटरेस्ट रेट इज हाई पीपल विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड शेयर एंड दे विल होल्ड लेस कैश ठीक है तो कैश लेस होगा लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम है ठीक है इफ द इंटरेस्ट रेट इज लो तो फिर लोग बॉन्ड में शेयर्स में ज्यादा नहीं होल्ड करना चाहेंगे फिर उनकी कैश होल्ड करने की जहा ज्यादा होगी तो ये चीज आपको ये तीनों चीज आपको समझ आ गई राइट तो ये फॉर्मूला में बस समझने वाली बात इतनी सी ही है अब एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी पूछी जा सकती है बट तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है याद रखने में इट इज क्वाइट ईजी एंड ये चीजें आपको पूछी जा सकती है रिलेशनशिप पूछी जा सकती है ठीक है और आई होप आपने ये रिलेशनशिप समझ लिया क्यों क्यों क्या चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्यों है और क्या चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्यों है आई होप यू अंडरस्टूड दिस ओके दिस फॉर्मूला शोज दैट ऑप्टिमल कैश बैलेंस इंक्रीजेस विथ हायर ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनकम क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनकम हाई है तो कैश बैलेंस भी हाई होगा बट डिक्रीजेस विथ हायर इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो अगर इंटरेस्ट हाई होगा तो आपकी जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी ओके okay? ओके okay, अब एक बार रोल ऑफ ब्रोकरेज फी को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है तो अलग से इसको भी देख लेते हैं देखिए बात तो वही है बस हम अलग से देख रहे हैं द इनवेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ऑल्सो हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रोकरेज फी ऑन द डिमांड फॉर मनी देखिये हायर ब्रोकरेज फी मेक्स इट कॉस्टली टू कन्वर्ट मनी इंटू बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रिक्वेंटली अगर ब्रोकरेज फी बहुत हाई है तो आप सोचोगे राइट right? कि मुझे कितना पैसा इसमें डालना चाहिए क्योंकि बाद में जब मैं इसे कैश में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे फीस लगेंगी है ना सो दिस रिजल्ट इन इंडिविजल्स होल्डिंग मोर मनी एंड फ्यूअर बॉन्ड्स टू अवॉइड दिस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कन्वर्सली लोअर ब्रोकरेज फीस मेक्स इट चीपर टू स्विच बिटवीन मनी एंड फाइनेंशियल एसेट्स लीडिंग टू लोअर एवरेज कैश बैलेंसेस एंड हायर इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है ना अगर कैश से इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में स्विच करने में कम कॉस्ट लगती है तो आप इसलिए स्विच कर पाओगे सो इन दैट केस आप एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे बिकॉज इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिल रहा है ओके ओके सो इन एसे तो अगर मुझे ये थ्योरी को समराइज करना पड़ा तो देखिये इंडिविजुअल ट्राइव टू बैलेंस द पोर्टफोलियोज ऑफ कैश एंड बॉन्ड्स इन प्रोपोर्शन दैट मिनिमाइज देयर ओवरऑल कॉस्ट ठीक है हर एक इंडिविजुअल क्या करना चाहेगा वो अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहेगा कि वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश भी होल्ड करे लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस भी ना होल्ड करे ठीक है जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बॉन्ड में होल्ड करे ताकि उसको रिटर्न भी मिलती रहे ठीक है और वो ये कैसे करेगा इस तरह से करेगा कि उसकी जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो ठीक है उसकी ब्रोकरेज कॉस्ट भी मिनिमाइज हो एंड जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो तो इस हिसाब से वो कैश होल्ड करेगा और ऐसा करने के लिए बोम ने फॉर्मुला भी दिया हुआ है है ना सो दिस बैलेंस डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट्स एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स ठीक है तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है कि आपको कितना बैलेंस होल्ड करना चाहिए इंटरेस्ट रेट पे तो डिपेंड करती ही है देन उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि ब्रोकरेज कॉस्ट होती है राइट तो उसमें भी डिपेंड करता है सो बाय मैनेजिंग दिस बैलेंस एफिशिएंटली इंडिविजुअल्स कैन ऑप्टिमाइज देयर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इंश्योरिंग दे हैव इनफ लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन बाय मैक्सिमाइजिंग दे रिटर्न ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो ऑप्टिमम कैश होल्ड करने से क्या होता है उनके पास लिक्विडिटी तो इनफ होती है कि जब भी ट्रांजैक्शन करनी हो तब इनफ कैश हो उनके पास ये भी इंश्योर होता है और जो रिटर्न है वो भी वो ज्यादा मिस ना करे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो तो इस बात की भी यहाँ पे लोग ध्यान रखते हैं ऐसा ये है थ्योरी थियो कहती है ठीक है सो इट्स क्वाइट एन इजी थ्योरी आई होप यू अंडरस्टूड ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर थ्योरी दैट इज री रीस्टेटमेंट ऑफ क्वान्टिटी थ्योरी मिल्टन फ्रीडमैन नाइन

तो आप क्या चीजें कंसिडर करते हो ठीक है पहले तो आप अपने इनकम कंसिडर करते हो कि एम आई एबल टू अफोर्ड दिस एसेट और नॉट ठीक है फिर उसके बाद आप देखते हो कि ये एसेट में इन्वेस्ट करने की रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या क्या है राइट तो फिर मिल्टन फ्रीडमैन का मानना है कि जब भी इंसान मनी की डिमांड करता है ना तो उसकी मनी की डिमांड भी यही दो चीजों में बेस्ड होती है पहले तो उसकी इनकम में बेस्ड होती है ठीक है फिर वो रिस्क एंड रिवॉर्ड देखता है कि अगर मैं सर्टन क्वांटिटी ऑफ मनी एज कैश होल्ड करूं तो उसमें क्या क्या रिस्क है उसमें क्या क्या रिवॉर्ड है तो इस हिसाब से वो अपना मनी का डिमांड करता है ठीक है तो देखिए द डिमांड फॉर मनी इज इंफ्लुएंसड बाई द सेम फैक्टर्स एज अदर एसेट्स नेमली या स्पेसिफिकली फर्स्ट इज योर परमानेंट इनकम देखिए अनलाइक की Who emphasized current income? income, income, argued that permanent income, which is the the present value of expected future income, determines the demand for money. Now, what does this mean? की थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि जो आपकी मनी की डिमांड है इट इज इट डिपेंड्स ऑन इनकम राइट लेकिन जो ये इनकम की हम वहां पे बात कर रहे थे ना ये करंट इनकम की बात कर रहे थे कि अभी आप कितना कमा रहे हो लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि जो डिमांड ऑफ मनी है वो सिर्फ करेंट इनकम में डिपेंड नहीं होता वो आपकी फ्यूचर इनकम में भी डिपेंड करता है देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मान लीजिए करेंटली आप यू आर अर्निंग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी लेट्स यू लेटर लाख पर ईयर ठीक है अब अगले साल आपको पता है कि आप फिफ्टीन लाख पर ईयर कमा रहे हो अब करेंटली अगर आप गाड़ी खरीदने की सोचोगे तो आप सिर्फ करेंट इनकम को ध्यान रख के नहीं सोचोगे ना आप ये भी देखोगे कि फ्यूचर में तो मेरी इनकम बढ़ रही है तो इस हिसाब से यस आई कैन अफोर्ड अगर सिर्फ करंट इनकम है तो शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा लेकिन लोग जब भी बड़े एसेट्स खरीदने की सोचते हैं या जब भी वो कुछ चीज में इन्वेस्ट करने की या कुछ ट्रांजैक्शन करने की सोचते हैं तो करंट इनकम को तो ध्यान रखते ही है लेकिन फ्यूचर इनकम को भी वो कंसीडर करते हैं तो यही मिल्टन फ्रीड ने कहा है कि जो मनी की डिमांड है वो सिर्फ करंट इनकम में बेस नहीं होती वो परमानेंट इनकम में बेस्ड होती है विच इंक्लूड्स योर करेंट इनकम एज वेल एज योर फ्यूचर इनकम ठीक है देखिए ये विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम कहा है ना बेसिकली ये फॉर्मूला होता है आपका फ्यूचर इनकम निकालने का तो ये अभी आपको फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है ये आप आई पी सी सी में इंटरमीडिएट में या फाइनल में पढ़ोगे अभी आपको बस ये समझना है कि देखिए जो मनी uh, की डिमांड है इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन योर करेंट इनकम बट परमानेंट इनकम विच इंक्लूड बोथ योर करंट इनकम एंड फ्यूचर इनकम ठीक है इतना आपने समझ लिया एंड द नेक्स्ट थिंग दैट द डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन इज योर रेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट दैट इज दीज रिटर्न अकाउंट फॉर रिस्क एंड इंफ्लुएंस मनी डिमांड जस्ट लाइक एनी अदर एसेट तो जैसा कि हमने कहा कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड भी कंसिडर करते हो तो ठीक है मनी की डिमांड करते टाइम भी आप रिस्क कंसिडर करते हो कि अगर मैं एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ मनी होल्ड करूं तो उसमें क्या क्या रिस्क है ठीक है और क्या क्या रिवॉर्ड है वो चीज भी आप कंसिडर करते हो सो अंडरस्टूड देखिए आप थ्रीटमेंट ने ना आपने थ्योरी में फोर की डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिफाई किया है जो डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस कर सकती है ठीक है वैसे तो बहुत डिटर्मिनेंस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा लेकिन उनमें से जो टार डिटर्मिनेंट है वो मेन है ठीक है जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा जिक्र किया है तो ये चारों डिटर्मिनेंट क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं फर्स्ट इज योर टोटल वेल्थ या फिर परमानेंट इनकम देखिए जैसा कि हमने देखा जो आपकी परमानेंट इनकम है वो आपकी मनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है राइट ठीक है कीन्स कहते थे कि सिर्फ करंट इनकम करता है लेकिन फ्रीडमैन कहते हैं कि नहीं सिर्फ करंट इनकम नहीं आपकी जो फ्यूचर इनकम है वो भी करती है तो ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं परमानेंट इनकम या फिर आपको आप इसको अपना टोटल वेल्थ भी कह सकते हो तो ये चीजें डिटरमाइन करती है आपकी मनी डिमांड देखिए नॉमिनल मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ यानी कि टोटल वेल्थ इन्फ्लुएंस करता है मनी डिमांड को एंड हाउ इज दिस टोटल वेल्थ कैलकुलेटेड इज इट इट इज कैलकुलेटेड एज परमानेंट इनकम अब देखिए जो ये वाला पार्ट है ना वो ये वाला पार्ट आपको आपको समझाता है कि परमानेंट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है लेकिन ये अभी आपको जानना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी आपको कैलकुलेशन पार्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये परमानेंट इनकम कैसे निकालते हैं ना वो आप इंटरमीडिएट या फाइनल में जाके सीखोगे तो तभी आपको ये समझ आ जाएगा लेकिन स्टिल देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्या होता है ना कि जब भी आप फ्यूचर इनकम निकालते हो तो पहले तो आप एक एस्टिमेशन देते हो कि ठीक है पाँच साल के एंड में मेरी इनकम इतनी होगी ठीक है अब ये फ्यूचर इनकम को ना आपको करेंट प्राइस में या प्रेजेंट वैल्यू में ले आने की जरूरत होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंट ठीक है और आ, 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 आप कैसे डिस्काउंट करोगे डिस्काउंट करने के लिए ना एक सर्टन डिस्काउंट रेट की ज़रूरत होती है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है देखिए तो अगर हम ये फ्यूचर इनकम को ना ये डिस्काउंट रेट से डिवाइड करेंगे तो फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू हमें निकल जाएगी फिर ये प्रेजेंट वैल्यू पे हम करेंट इनकम को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा परमानेंट इनकम आ जाए तो ये प्रोसेस होता है निकालने का जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है बस क्योंकि आपकी बुक में ऐसी लाइन दी गई थी तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या लिखा हुआ है बुक में ठीक है सो पे अभी आपको क्या समझना है कि जो आपकी मनी की डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन योर परमानेंट इनकम एज पर फ्रीडमेंट ठीक है अब सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या है सेकेंड डिटर्मिनेंट इज योर प्राइस लेवल चीजों की प्राइसेस कितनी है देखिए अगर चीजों की गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो आपको ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए ज्यादा मनी की जरूरत होगी राइट तो आपकी डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी होल्डिंग मनी, मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश ये इंक्रीज हो जाएगी और अगर प्राइसेस कम है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी यानी कि इट इज डायरेक्टली द डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल ठीक है नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जो रिटर्न या इंटरेस्ट आप फॉरगो कर रहे हो ठीक है देखिए, इफ द रिटर्न ऑन बॉन्स एंड स्टॉक डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी राइजेस। क्योंकि जो मनी की डिमांड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट राइट ये तो हमें पता है तो अगर ये इंटरेस्ट रिटर्न ऑन बॉन्स क्या होती है बेसिकली इंटरेस्ट ही होती है राइट तो अगर इंटरेस्ट डिक्रीज होगी तो मनी की डिमांड क्या होगी राइज होगी एज होल्डिंग मनी बिकम्स लेस कॉस्टली ठीक है कन्वर्सली इफ द रिटर्न इंक्रीजेस यानी कि अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होगी सो पीपल विल प्रीफर टू होल्ड लेस मनी अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होगी तो पीपल लोग क्या चाहेंगे वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे राइट सो कैश होल्ड करने की डिमांड यहाँ पे लेस हो जाएगी सो पीपल विल प्रीफर टू होल्ड लेस मनी इतना आपको समझ आ गया राइट right? यानी कि अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट के साथ क्या है जो डिमांड ऑफ मनी है वो इनवर्सली रिलेटेड है ओके नाउ द लास्ट डिटर्मिनेंट इज योर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है ना डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी को हम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं राइट right? देखिए पॉजिटिव इन्फ्लेशन रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजिंग दुनिटी मनी एंड मनी डिमांड देखिये मान लीजिए आप कैश होल्ड कर रहे हो बट आपको पता चल रहा है कि दिन ब दिन आपकी जो कैश की वैल्यू है ठीक है आप लेट से सौ रुपए होल्ड कर रहे हो राइट right? लेकिन दिन ब दिन ये सौ रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है राइट right? आज सौ रुपये से अगर आप दो कुछ खरीद पा रहे हो तो क्योंकि कल को इन्फ्लेशन है ठीक है तो सौ रुपये की वैल्यू कम हो रही है तो कल को आप सिर्फ एक ही गुड खरीद पाओगे तो ऐसे तो आपको पैसा होल्ड करना फायदा नहीं है ना तो इसके पैसे होल्ड करने की जगह तो आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे सौ रुपये को तो एक्स ये कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट कमा के तो, तो देगा राइट तो कल को ये सौ रुपये कम से कम एक सौ पाँच रुपये तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऐड करके तो इसे जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना जब आपकी मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही होती है तो आप मनी को कैश के रूप में होल्ड करना प्रीफर नहीं करोगे करना भी नहीं चाहिए एट दैट टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मनी को कहीं कही ना कहीं जहां पे आपको अच्छी रिटर्न मिल रही है ठीक है तो जब ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है एट दैट टाइम देर इज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर होल्डिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश ठीक है तो ये चारों डिटर्मिनेंस रिटमेंट ने एक्सप्लेन किया है आई होप आपको भी ये समझ आ गई होगी

शी वु प्रीफर मोर वेल्थ वो मोर वेल्थ प्रिफर करेगा एज कम्पेयर टू लेस वेल्थ तो इस अजम्पन की बेसिस में उसने मनी की डिमांड की थ्योरी निकाली है देखिये अकॉर्डिंग टू टॉबिन इन्वेस्टर्स पेस अ चॉइस अबाउट हाउ मच ऑफ द फाइनेंशियल एसेट टू कीप इन कैश विच अर्नस नो इंटरेस्ट एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन एसेट्स लाइक बॉन्डस एंड शेयर विच कैन अर्न इंटरेस्ट बट ऑल्सो कैरी रिस्क देखिए हर एक इंसान के पास ये डिलेमा होता है कि कितना वो कैश में रखे कितना वो इन्वेस्ट करे शेयर या बॉन्ड में जहां से उसको इंटरेस्ट मिले कैश में होल्ड करेगा तो ट्रांजेक्शन तो कर पाएगा लेकिन कोई यहाँ पे उसको रिटर्न नहीं मिलेगा राइट शेयर एंड बोल्ड में शेयर एंड बॉन्ड में करेगा तो यहाँ पे उसको रिटर्न मिलेगा लेकिन यहाँ पे रिस्क भी होगा है ना तो ये एक डिलेमा होता है हर एक इंसान के लिए कि कितना कैश में रखे कितना शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करे देखिए टॉबिन आर्ग्यू दैट

जो रिस्कियर है दिस डाइवर्सिफिकेशन इज ड्रिवन बाय रिस्क अवर्शन मीनिंग पीपल प्रिफर टू टेक लेस रिस्क वेन दे कैन ऑन द सेम रिटर्न देखिए हो सके जितना कम हो सके लोग कम रिस्क लेना चाहेंगे अगर पॉसिबल है तो तो इसके लिए वो क्या करेंगे वो डाइवर्सिफाई करेंगे यानी कि सर्टन अमाउंट कैश में या सेफ एसेट में रखेंगे जैसे कि सेविंग अकाउंट पे एक सेफ एसेट का एग्जांपल है राइट और सर्टन अमाउंट वो क्या करेंगे बॉन्ड्स एंड शेयर जैसे रिस्की एसेट में लगाएंगे और कितना यहाँ पे लगाएंगे कितना बॉन्ड एंड शेयर पे लगाएंगे इट डिपेंड्स कि हर एक इंसान का रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है ठीक है देखिए इफ समवन डिसाइड्स टू होल्ड अ लॉट ऑफ रिस्की एसेट्स लाइक बॉन्ड्स और शेयर्स दे माइट ऑन अ हायर रिटर्न ऑन एवरेज बट दे ऑल्सो टेक ऑन मोर रिस्क बॉन्ड्स एंड शेयर्स में अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो अब इससे आपको रिटर्न मिलेगा लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा है टॉप इंग सजेस्टेड पर्सन वु चूज अ पोर्टफोलियो मेड अप ऑफ मोस्टली रिस्की एसेट देखिए अगर एक इंसान रिस्क से बहुत ज्यादा डरता है वो रिस्क अवर्स है रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो कभी ऐसे पोर्टफोलियो नहीं चूज करेगा जहाँ पे सिर्फ रिस्की एसेट्स ही होते हैं ठीक है ऑन द अदर हैंड इफ ओनली होल्ड सेफ एसेट लाइक कैश ही होल्ड करेंगे तो क्या होगा तो क्योंकि तो कैश में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता कैश होल्ड करने से आपको कोई भी रिटर्न या इंटरेस्ट नहीं मिलता राइट तो एक इंसान क्या करे देखिये मोस्ट पीपल देर फोर प्रीफर मिक्स ऑफ डिफरेंट एस तो लोग क्या चाहेंगे कि वो मिक्स करें थोड़ा बहुत कैश होल्ड करें थोड़ा बहुत शेयर या बॉन्ड में लगाए ठीक है दिस वे दे कैन अचीव अ बैलेंस बिटवीन अर्निंग रिटर्न एंड मैनेजिंग रिस्क तो इस तरह से रिस्क एंड रिटर्न में बैलेंस हो जाती है ठीक है नाउ द स्पेसिफिक बैलेंस ईच पर्सन चूजेस डिपेंड ऑन दे इंडिविजुअल टॉलरेंस रिस्क एंड अब देखिए अब कितना कैश में रखना है कितना शेयर में रखना है ये ईच इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ठीक है वो फरक फरक हो सकता है फॉर ईच इंडिविजुअल ओके देखिये अगर कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहता है रिस्क ले सकता है तो मे बी वो शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ठीक है अगर वो रिस्क टेकिंग पर्सन है तो लेकिन अगर कोई रिस्क टेकिंग पर्सन नहीं है तो मे बी वो कैश में ज्यादा रखेगा ओके डन ओके नाउ टॉबिन आल्सो अ डेवलप्ट कॉल द लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन दिस आइडिया शोज हाउ द डिमांड फॉर मनी चेंजेस विद इंटरेस्ट रेट देखिए जैसे किंग्स की एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो रही थी वैसे टॉबिन ने भी आपका एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन बताया बनाया है और इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि कैसे डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट रेट के साथ साथ चेंज होता है देखिए टॉबिन क्या कहते हैं टॉबिन आर्ग्यूड दैट रिटर्न ऑन बॉन्ड्स एज द रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इंक्रीजेस पीपल विल प्रीफर टू होल्ड मोर बॉन्ड्स एंड लेस कैश तो अगेन वही चीजें जो हम सुनते ही आ रहे हैं टॉबिन भी वही कह रहा है कि अगर बॉन्ड की रिटर्न यानी कि बॉन्ड की इंटरेस्ट इंक्रीज होगी सो पीपल क्या करेंगे ज्यादा बॉन्ड होल्ड करना पसंद करेंगे क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट का यहाँ पे फायदा मिलेगा तो इस टाइम पे वो कैश कम होल्ड करना चाहेंगे ठीक है कन्वर्सली इफ रिटर्न ऑन बॉन्ड डिक्रीजेस पीपल विल होल्ड मोर कैश सिमिलरली अगर इंटरेस्ट डिक्रीज होती है या रिटर्न ऑन बॉन्ड डिक्रीज होती तो इन दैट केस वो अब यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड खरीदना पसंद नहीं करेंगे वो यहाँ पे कैश ही होल्ड करना पसंद करेंगे सो डिमांड फॉर कैश विल इंक्रीज एट दिस टाइम ठीक है तो देखिए कोई भी इकोनॉमिस्ट हो हर कोई इकोनॉमिस्ट ने यही कहा है कि इंटरेस्ट रेट के साथ जो डिमांड ऑफ मनी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है राइट देखिए इन टॉबिन्स मॉडल द डिमांड फॉर मनी एज एन एसेट डिक्रीजेस एज द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस ठीक है जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है डिमांड फॉर मनी क्या होता है डिक्रीज होता है दिस रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व वह तो हॉराइजेंटल एक्सेस रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर मनी एंड द वर्टिकल एक्सेस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट देखिए अगर हम ये वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट को ले एंड यहाँ पे डिमांड फॉर मनी को ले और हम कर्व बनाएं तो वो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि देखिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी तभी आपकी मनी डिमांड इंक्रीज होगी इनवर्सली रिलेटेड है सो दैट्स वाई द स्लोप वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग ओके इतना आपको समझ आ गया ठीक है सो दिस वी ऑल ऑफ द थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड सो ये पोस्ट थ्योरी तो काफी आसान थी बेसिक चीज़ें ही बताई गई थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे राइट अब एक बार ना हम कंक्लूजन देख लेते हैं सारे थ्योरीज को एक बार एक पॉइंटर में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारी एक बार मेमोरी रिफ्रेश हो जाए आपकी ठीक है ओके सो कंक्लूजन फिशर्स थ्योरी

सप्लाई ऑफ मनी टू डिमांड फॉर मनी राइट वो कैश बैलेंस अप्रोच लेके आए एंड दिश अ फॉर्मर रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर रियल मनी एंड रियल इनकम और इन्होंने क्या कहा कि जो मनी की डिमांड है इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन नेशनल इनकम है ना तो इन्होंने कहा कि इनकम में ज्यादातर मोस्टली जो मनी की डिमांड है इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम क्योंकि मनी हम ज्यादातर ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए ही यूज करते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर इनकम ठीक है अब उसके बाद आया कीन्स और कीन्स ने क्या किया डेवलप्ड अ बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट मोटिव्स यानी कि इस कीन्स ने तीन हमें अलग अलग मोटिव्स बताया जिसकी वजह से लोग मनी होल्ड करना प्रिफर करेंगे एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट रेट एज द एडिशनल फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेज यानी कि डिमांड फॉर कैश या फिर मनी देखिए कीन्स से पहले हमें हमने इंटरेस्ट रेट को कंसिडर नहीं किया था एज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर मनी राइट हमने सिर्फ सोचा था कि इनकम पे ही डिपेंड होता होगा द डिमांड फॉर मनी लेकिन कीन्स आने के बाद कीन्स ने क्या किया स्पेकुलेटिव मोटिव भी इसने इंट्रोड्यूस किया एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव हमें पता चला इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट तो ये क्रेडिट कीन्स को जाता है टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट आल्सो एज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर डिमांड ऑफ मनी ठीक है अब कीन्स के बाद पोस्ट इकोनॉमिस्ट आए एंड दे प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर डिमांड फॉर मनी जो कीन्स के बाद इकोनॉमिस्ट आए सब ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन हाउ एवर ऑल ऑफ दिस थ्योरीज स्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ डिमांड फॉर मनी टू रियल इनकम एंड इनवर्स रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट ठीक है सबने अपना अपना थ्योरी तो दिया लेकिन सभी इकोनॉमिस्ट ये चीज में तो अग्री करते हैं कि जो डिमांड ऑफ मनी है ठीक है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट सो दिस इज ट्रू अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक ठीक है तो अगर आपको एग्जाम में पूछी जाए कि इज द मनी डिमांड डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट तो आप हमेशा कहोगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट चाहे आपको कोई भी इकोनॉमिस्ट का नाम लेके पूछे अकॉर्डिंग टू फिशर अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज अकॉर्डिंग टू किन्स अकॉर्डिंग टू टॉबिन तो कोई भी इकोनॉमिस्ट का नाम ले तो सभी इकोनॉमिस्ट ने इस चीज पे अग्री किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड फॉर मनी राइट सिमिलरली इनकम राइट योर रियल इनकम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड फॉर मनी नाउ डिफरेंट कंट्रीज में एक्सिबिट वेरियड बिहेवियर ड्यू टू डाइवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ मनी डिमांड ठीक है अब जो मनी की डिमांड है ना वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ हर कंट्री का जो डिटर्मिनेंट है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है ठीक तो तो है हालांकि ये फैक्टर्स तो कॉमन है अक्रॉस एवरी कंट्री राइट कि मनी की डिमांड किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको इन्वर्स ये तो कॉमन है लेकिन कौन सा फैक्टर किस एक्सटेंट तक मनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा वो कंट्री टू कंट्री फर्क पड़ सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पे भी देखिए मेंशन किया है हाउ रियल इनकम इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन आर सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स ऑफ द डिमांड फॉर मन तो चाहे आप कोई भी कंट्री ले लो तो जो सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है राइट जो मनी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है वो क्या क्या है पहले तो आपकी रियल इनकम द मनी डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल इनकम फिर इंटरेस्ट रेट द मनी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट इन्फ्लेशन के साथ भी मनी डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होता है यानी कि अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन हाई है आपके पैसे की वैल्यू कैश की वैल्यू बहुत ज्यादा जल्दी कम हो रही है तो आप ज्यादा कैश होल्ड नहीं करोगे ठीक है तो इन्फ्लेशन के साथ भी जो मनी की डिमांड है इट इज इन वर्स इन वर्स कैसे लिखू मैं यहाँ पे देखिये इन फ्लेशन एंड मनी डिमांड दे आर इन वर्सली रिलेटेड ठीक है सो विद है हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आई होंगी सो विद एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप आपको चैप्टर समझ आई होगी लेकिन अगर आपको अभी भी किसी चीज में डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट ठीक है अब इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड वी ट्राई टू क्लियर आवर डाउट्स और अगर आपको वीडियो पसंद आई है हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा क्योंकि वे विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून तो मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए एंड टेक केयर